दोस्तों कुमार के लास्ट एपिसोड में दिखाया था कि फाइज के माँ फाइज से माफ़ी मांगती है और फाइज को कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, कहते कि मेरे से चलो गलती होगी मैं मानती हूँ, लेकिन तुमने मेरे क्यों नहीं शादी की, जब मैंने कहा था कर लो, कहते मैं जब उससे प्यार ही नहीं करता तो मैं कैसे शादी कर लेता, फाइज कहता है, फाइज को कहते जो भी हो गया छोड़ो चलो मैं तुमसे ही माफ़ी मांगती, हरीम को भी कर लिया मैं हरीम से माफ़ी मांगती, लेकिन दूसरी तरफ हरीम घर आ ही रही होती, वो तलाक मांग रही होती इससे फाइज से, लेकिन वो दूसरा मुदसर जब उसे कहते हैं कहते चलो तुम इससे ही प्यार करते तुम चली जाओ, जब फिर हरीम भी सोचती है तो वो वापस इनके साथ इनके घर आ जाती है, फाइज की माँ उसे माफ़ी मांगती है, उसे कहती है मुझे माफ़ कर दो मैं ऐसे गलतफहमी हो गई, और फिर दिखाई देते इन दोनों की खुशी खुशी शादी हो रही होती है, इधर फाइज और हरीम की हो रही होती है और फाइज की बहन और दूसरे लड़के की शादी हो रही होती है, इन सब के यहाँ भी शादी हो रही है और सारी खुशी आई थी और फिर ये ड्रामा एंड हो जाता है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।